नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज साइबर अपराध और सोशल मीडिया की भूमिका के बारे में। ठीक है, तो ये आपका साइबर अपराध से संबंधित आर्टिकल है, तो इसमें बात करेंगे हम लोग कि आखिर अभी चर्चा में क्यों है, किस संदर्भ में अभी चर्चा में है, इसे देखेंगे कि साइबर अपराध होता क्या है आखिर, साइबर अपराध का वर्गीकरण किस प्रकार है उसे भी देखेंगे, और साइबर अपराध की श्रेणियां क्या क्या हैं उन्हें भी देखेंगे। साइबर अपराध से निपटने की दिशा में सरकार ने जो कार्य किए हैं, प्रयास किए हैं, उन्हें भी देख लेंगे। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र भी देखेंगे, और एक आपका बूडापेस्ट कन्वेंशन क्या है इसे भी देख लेंगे। ठीक है, तो लगभग लगभग आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें हम जितनी तेजी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक ठीक उतनी ही तेजी से साइबर अपराध की संख्या में वृद्धि हो रही है। जिस गति से तकनीक ने उन्नति की है, उसी गति से मनुष्य की इंटरनेट पर निर्भरता भी बढ़ी है। एक ही जगह पर बैठकर इंटरनेट के जरिए मनुष्य की पहुंच विश्व के हर कोने तक आसान हुई है। आज के समय में हर वो चीज जिसके विषय में इंसान सोच सकता है, उस तक उसकी पहुंच इंटरनेट के माध्यम से हो सकती है। जैसे कि सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शॉपिंग, डेटा स्टोर करना, गेमिंग, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन जॉब इत्यादि। आज के समय में इंटरनेट का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है। इंटरनेट के विकास और इसके संबंधित लाभों के साइबर अपराधों की अवधारणा में विकसित हुई है। वर्तमान में भारत की बड़ी आबादी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग करती है। भारत में सोशल नेटवर्किंग साइट्स के उपयोग के प्रति लोगों में जानकारी का अभाव है। इसके साथ ही अधिकतर सोशल नेटवर्किंग साइट्स के सर्वर्स में विदेश में हैं, जिससे भारत में साइबर अपराध गठित होने की स्थिति में इनकी जड़ तक पहुंच पाना कठिन होता है। जितने भी आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इन सभी के सर्वर आपके विदेश में हैं। ठीक है, बात करते हैं आखिर ये साइबर अपराध होता क्या है। साइबर अपराध विभिन्न रूपों में किए जाते हैं। कुछ साल पहले इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराधों के बारे में जागरूकता का अभाव था। साइबर अपराधों के मामलों में भारत भी उन देशों से पीछे नहीं है, जहां साइबर अपराधों की घटनाओं की दर भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। साइबर अपराधों के मामलों में एक साइबर अपराधी किसी उपकरण का उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी, गोपनीय व्यावसायिक जानकारी, सरकारी जानकारी या फिर किसी डिवाइस को अक्षम करने के लिए कर सकता है। उपयुक्त सूचनाओं को ऑनलाइन बेचना या फिर खरीदना भी एक साइबर अपराध की श्रेणी में है। ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है कि यह एक आपराधिक गतिविधि है, जिसे कंप्यूटर और इंटरनेट के उपयोग द्वारा अंजाम दिया जाता है। साइबर अपराध, जिसे इलेक्ट्रॉनिक अपराध के रूप में भी जाना जाता है, साइबर अपराध को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अपराध भी कहते हैं, एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी भी अपराध को करने के लिए कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या फिर नेटवर्क का उपयोग एक वस्तु या उपकरण के रूप में किया जाता है, जहां इनके कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क के जरिए ऐसे अपराधों को अंजाम दिया जाता है, वहीं इन्हें लक्ष्य बनाते हुए इनके विरुद्ध अपराध भी किए जाते हैं। ऐसे अपराध में साइबर जबरन वसूली, पहचान की चोरी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, कंप्यूटर से व्यक्तिगत डेटा हैक करना, फिशिंग, अवैध डाउनलोडिंग, साइबर स्टॉकिंग, वायरस फसाद सहित कई प्रकार की गतिविधियां आपकी शामिल हैं। गौरतलब है कि सॉफ्टवेयर चोरी भी साइबर अपराध का ही एक रूप है, जिसमें यह जरूरी नहीं है कि साइबर अपराधी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही अपराध कर सके। बात करते हैं साइबर अपराध का वर्गीकरण। साइबर विशेषज्ञों के अनुसार अपराध की श्रेणी को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। वे अपराध जिनमें कंप्यूटर पर हमला किया जाता है, इस तरह के अपराधों के उदाहरण है आपके हैकिंग,
वायरस हमले, बेअपराध जिनमें कंप्यूटर को एक हथियार उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के अपराधों में साइबर आतंकवाद, आईपीआर उल्लंघन, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, पोर्नोग्राफी आदि। ठीक है, बात करते हैं हम साइबर अपराध की श्रेणियां। साइबर अपराध के अंतर्गत तीन प्रमुख श्रेणियां आती हैं, जिसमें व्यक्ति विशेष, संपत्ति और सरकार विरुद्ध अपराध शामिल हैं। व्यक्ति विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध, ऐसे अपराध यद्यपि ऑनलाइन होते हैं परंतु वे वास्तविक लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ अपराधों में साइबर उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वितरण, विभिन्न प्रकार की स्पूफिंग, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, मानव तस्करी की पहचान की चोरी और ऑनलाइन बदनाम किया जाना शामिल होता है। साइबर अपराध की श्रेणी में किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ दुर्भावनापूर्वक या फिर अवैध जानकारी को ऑनलाइन लीक कर दिया जाता है। संपत्ति विशेष के रूप विरोध साइबर अपराध कुछ ऑनलाइन अपराध संपत्ति के खिलाफ होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर या सर्वर के खिलाफ या उसे जरिया बनाकर किए जाते हैं। इन अपराधों में हैकिंग, वायरस ट्रांसमिशन, साइबर और टाइपो स्क्रॉटिंग, कॉपीराइट उल्लंघन, आईपीआर उल्लंघन आदि शामिल है। उदाहरण के लिए कोई आपको एक वेब लिंक भेजे जिस पर क्लिक करने के पश्चात एक वेब पेज खुल जाए जहां आपसे आपके बैंक खाते, गोपनीय दस्तावेज संबंधित सारी जानकारियां मांगी जाए और ऐसा कहा जाए कि यह जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर सरकार की ओर से मांगी जा रही है। आप वहां सारी जानकारी दे दें और फिर उस जानकारी के इस्तेमाल से आपके दस्तावेज या फिर बैंक खाते के साथ छेड़छाड़ की जाए तो यह संपत्ति के विरुद्ध साइबर हमला कहा जाएगा। फिर आपका सरकार विशेष के विरुद्ध साइबर अपराध, यह सबसे गंभीर साइबर अपराध माना जाता है। सरकार के खिलाफ किए गए ऐसे अपराध को साइबर आतंकवाद के रूप में भी जाना जाता है। सरकार साइबर अपराध में सरकारी वेबसाइट या फिर सैन्य वेबसाइट को हैक किया जाना शामिल है। गौरतलब है कि जब सरकार के खिलाफ एक साइबर अपराध किया जाता है तो इसे उस राष्ट्र की संपूर्ण संप्रभुता पर हमला और युद्ध की कार्रवाई माना जाता है। ये अपराधी आमतौर पर आतंकवादी या फिर अन्य शत्रु देशों की सरकार होती है। इस प्रकार के साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए प्रत्येक देश की सरकार द्वारा कठोर साइबर कानून बनाए गए हैं। फिर आपका सोशल मीडिया की भूमिका क्या है इसमें? बड़े पैमाने पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग करने वाले जनसंख्या साइबर अपराध के खतरों से अनजान है। विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट्स के सर्वर अन्य देशों में केंद्रित हैं, जिससे यह डर रहता है कि कहीं ये देश लोगों की व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग ना करें। विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लोग अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करते हैं, जिससे हैकर्स इन सोशल नेटवर्किंग अकाउंट को आसानी से हैक कर लेते हैं और फिर प्राप्त सूचना का दुरुपयोग करते हैं। लोगों को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हैकर्स ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाते हैं। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा यह भी पता लगाया गया है कि ऑनलाइन मुद्रा स्थानांतरित करने वाले विभिन्न ऐप के माध्यम से आतंकवादियों और देश विरोधी तत्वों को फंडिंग की जाती है। साइबर अपराध विभिन्न ऑनलाइन गेम्स के माध्यम से बच्चों को अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बात करते हैं साइबर अपराधों से निपटने की दिशा में सरकार के क्या प्रयास रहे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया गया, जिसके प्रावधानों के साथ साथ भारतीय दंड संहिता के प्रावधान सम्मिलित रूप से साइबर अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धाराएं 43, 43A, 66, 66B, 66C, 66D, 66E, 66F, 67, 67A, 67B,
72 हैकिंग और साइबर अपराधों से संबंधित है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 द्वारा जारी की गई, जिसके तहत सरकार ने अति संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र का गठन किया है। इसके अंतर्गत 2 वर्ष से लेकर उम्र कैद तथा दंड तथा जुर्माना का भी प्रावधान है। आपका विभिन्न स्तरों पर सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता परियोजना प्रारंभ की। सरकार द्वारा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की स्थापना की गई, जो कंप्यूटर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की मॉडल एजेंसी है। देश में साइबर अपराधों से समन्वित और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा केंद्र भी स्थापित किया गया। यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारत सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम का एक हिस्सा है। भारत सूचना साझा करने और साइबर सुरक्षा के संदर्भ में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली अपनाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, चीन जैसे देशों के साथ समन्वय कर रहा है। अंतर एजेंसी समन्वय के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की गई है। बात करते हैं भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। जनवरी 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा साइबर क्राइम से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस योजना को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। साइबर क्राइम से बेहतर तरीके से निपटने के लिए तथा 14 सी को समन्वित और प्रभावी तरीके से लागू करने हेतु इस योजना के निम्नलिखित 7 प्रमुख घटक हैं। नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल, संयुक्त साइबर अपराध जांच दल के लिए मंच, राष्ट्रीय साइबर अपराध फॉरेंसिक प्रयोगशाला, पारिस्थितिकी तंत्र, साइबर अपराध क्राइम प्रशिक्षण केंद्र, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, राष्ट्रीय साइबर अनुसंधान और नवाचार केंद्र। बात करते हैं बुडापेस्ट कन्वेंशन क्या है। आपका साइबर अपराध के संबंध में बुडापेस्ट कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराध डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर क्राइम पर एक कन्वेंशन है, जिसे साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। यह अपनी तरह की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय कानून को सुव्यवस्थित करके जांच पड़ताल की तकनीकों में सुधार करके तथा इस संबंध में विश्व के अन्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने हेतु इंटरनेट और कंप्यूटर अपराधों पर रोक लगाने संबंधी मांग की गई। कन्वेंशन का अनुच्छेद 32 भी डेटा तक पहुंच की अनुमति देता है और इस प्रकार यह राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है, इसलिए भारत ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर भी नहीं किए। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। भारत इंटरनेट का 3रा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है और हाल के वर्षों में साइबर अपराध कई गुना बढ़ गया है। साइबर सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए। कैशलेस अर्थव्यवस्था को अपनाने की दिशा में बढ़ने के कारण भारत में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। डिजिटल भारत कार्यक्रम की सफलता काफी हद तक साइबर सुरक्षा पर निर्भर करेगी, अतः भारत को इस क्षेत्र में तीव्र गति से कार्य करना हो। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को नया आयाम दिया है। आज प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी डर के सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार रख सकता है और उसे हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है, परंतु सोशल मीडिया का सावधानी पूर्वक उपयोग ही हमें ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध के गंभीर खतरों से बचा सकते हैं। तो यह आर्टिकल था आपका साइबर अपराध से संबंधित, ठीक है।